नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। आज हम पहुंचे हैं लखीसराय के दियारा के वलीपुर में। वलीपुर की कभी चर्चा जब होती थी तो गोली और बंदूक से होती थी, लेकिन आज का वलीपुर पहले का वलीपुर नहीं रहा। आज के वलीपुर को बदलने के लिए वलीपुर के युवा आगे आ चुके हैं। अभी मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पर आप देख सकते हैं एक ई लाइब्रेरी का आज जो है वो शुभारम्भ हुआ है, और अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ पर दियारा के युवाओं के पहली ई लाइब्रेरी मिलेगी, जहाँ पर तमाम तरीके की डिजिटल सुविधाएं यहाँ के शिक्षार्थियों के लिए उपलब्ध है। अभी हमारे साथ इस लाइब्रेरी के संचालक हैं, तो यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं? सर, ई लाइब्रेरी है और ऑनलाइन टेस्ट, टाइपिंग और फ्री वाईफाई 24 आवर्स रहेगा। क्यों ना अपने दियारा में ऐसा एक सुविधा दिया जाए ताकि जो बच्चे शहर नहीं जा सकते हैं, विशेषकर लड़कियां, हम तो मान लीजिए लड़का हैं, बाहर रह के स्टे करके पढ़ लेते हैं, लड़कियां जो है सो बाहर नहीं जा पाती हैं, उनके लिए विशेष प्रबंध किया गया है। उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए CCTV कैमरा इंस्टॉल किया गया है, किसी तरह का उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। पार्किंग का व्यवस्था है, RO वाटर का, 24 आवर्स वाईफाई है, नोट्स का है, आप तरह तरह के शिक्षक से पढ़ सकते हैं। और मान लीजिए पढ़ाई आपका कंप्लीट हो गया, आप अभ्यास करना चाहते हैं, पेन पेपर मोड पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट होता क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम के दौरान कर्सर का पता नहीं चल पाता है, कहाँ ब्लिंक कर रहा है, नहीं कर रहा है, टाइम आउट हो जाता है। पूरा कंप्यूटर भी अगर सीखना कोई चाहता है तो उसके लिए ADCA, DCA, BCC, टाइपिंग, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये भी प्रबंध किया गया। माने कि सारा व्यवस्था यहाँ, आपको तीनों व्यवस्था यहाँ मिलेगा, लाइब्रेरी, ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, टाइपिंग, हिंदी अंग्रेजी, कंप्यूटर कोर्स, सारा फैसिलिटी आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा इस गुरुकुल डिजिटल लाइब्रेरी में। लोकेशन क्या? लोकेशन इसका है वलीपुर, नियर PNB बैंक। दियारा में ई लाइब्रेरी खुल गया है विकास जी, ऐसा लग रहा? हमारा दियारा पहले जैसा तो नहीं रहा। इतना विकास होने के बाद यहाँ एक लाइब्रेरी नहीं था, और तीनों गाँव के लिए आज इसकी कमी खलती होगी। हाँ बिल्कुल, आज तीनों गाँव के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इस तरह का चीज़ होना विद्यार्थियों के लिए एक नया स्वर्णिम युग है। अब जैसे हम आपको बताते हैं कि ऑफलाइन तो क्लास यहाँ वलीपुर, रामचंद्रपुर, मोहनपुर में चल ही रहा था, दर्जनों कोचिंग खुल गए, लेकिन बच्चों के लिए क्या है कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन अब हजारों टीचर से उनकी मुलाकात होगी। आप जिस टीचर से पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन आप उससे पढ़ सकते हैं। दुनिया में हर एक तरह का आप न्यूज़पेपर आप यहीं ऑनलाइन प्राप्त करेंगे। उसके बाद जितना भी किताब है ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी लैंग्वेज में, वो सब आप इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गांव देहात में होता क्या है कि कभी कदाल किसी के घर के आजू बाजू कोई डेथ कर गए या किसी की शादी विवाह है, बहुत सारा DJ बजता है, लोग परेशान हो जाते हैं, किसी का एग्ज़ाम है, तो ऐसे समय में ये लाइब्रेरी जो है ये 24 घंटा खुला रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटा खुला, दियारा क्षेत्र, वो भी दियारा क्षेत्र में विथ सिक्योरिटी है ना, 24 घंटा खुला रहेगा। अब शादी है तो चलो ठीक है, फिर भी हम 4 घंटा के पढ़ाई कर लेंगे, बगल में कोई डेथ कर गए, फंक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, फिर भी हम 5 घंटा पढ़ाई कर लेंगे, जो इच्छा है वो पढ़ेंगे। ऑफलाइन अगर जो समझ में नहीं आया टीचर से, ऑफलाइन समझ में आ गया और नहीं आया समझ में, तो यहाँ पे ऑनलाइन आकर के बैठ जाएंगे, एक टीचर से नहीं समझे दूसरी टीचर, तीसरी टीचर। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर कि नोट्स, हर एक तरह का नोट्स अवेलेबल है, तो विद्यार्थियों के लिए सबसे स्वर्णिम युग कह सकते हैं हम दियारा वासियों के लिए। तो क्या आपने कभी सोचा था ऐसा होगा? दियारा के लिए तो नहीं सोचे थे कि लाइब्रेरी अभी नहीं खुलेगा। नहीं, दियारा के लिए तो नहीं सोचे, हम लोग पटना वटना में जाते थे, पढ़ते पढ़ते थे, पर दियारा में लाइब्रेरी होगा ऐसा कुछ लगता नहीं था, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो जागरूक नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनको जागरूक करना पड़ेगा। तो इन सब, अच्छा, कोई भी बच्चा हो उनको हम कहेंगे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो ठीक है आप जाइए, लेकिन यहाँ पर आप आकर के एक बार विजिट कीजिए, शांति का अनुभव होगा, है ना, विथ AC आपको ना गर्मी लगेगा ना ठंडा लगेगा, सब आप एकदम साधारण सा आप मौसम वातानुकूलित एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया आप और फैमिलियर वे में बहुत अच्छे से आप शांति से पढ़ाई कर सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का दिन बहुत बड़ा है यहाँ के लिए, दियारा के लिए। तो मैं आपको सुनवा रहा था और ये लाइब्रेरी की सारी व्यवस्थाएं जो आपने वीडियो में विजुअल के माध्यम से देखी, तो कहीं ना कहीं दियारा में जो है शिक्षा क्रांति लाने का प्रयास जो इनके द्वारा किया जा रहा है, और यहाँ पर तमाम जो इनको देख रहे हैं और ये जो युवा गुरुजी हैं इनका भी इसमें काफ़ी योगदान है दियारा को बदलने में। पुस्तकालय खुला है गांव में, अरे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो उम्मीद नहीं था ऐसा, कभी सोच लो कभी भी नहीं।
लेकिन भगवान का कृपा हुआ, ये नवयुवक जो भी जगह नया चीज़ कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और भगवान करे कि इसी तरह से अपना इनका सब आदमी का सहयोग मिले और सब आदमी से अपना बनावे, जितना आगे बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा। रहा है गांव में पुस्तकालय खुल गया, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत विकास होगा, सभी बच्चे लड़के लड़कियाँ यहाँ आके पढ़ेगी। तो फिलहाल आप देख रहे हैं KTV भारत, और जहाँ तक हो इस लाइब्रेरी को आप आगे बढ़ाएं ताकि और भी दियारा में ऐसे ही शिक्षा संस्थान का उदय हो और दियारा बदले, लोगों के दिल में जो दियारा के लिए पहले से पूर्वाग्रह बना हुआ है, दियारा के विषय में जो सोच का, उस सोच का परिवर्तन हो। फिलहाल आप देख रहे हैं KTV भारत, कुणाल कुमार साथ, देखते रहिए, जय हिंद।